तो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस चैप्टर में, जहां पे हम लोग सीखे चार्ट्स। यानी दोस्तों, ये चार्ट्स का हमारा पहला एपिसोड है। अब तक हम लोग फंडामेंटल सीख चुके हैं पिछले 9 एपिसोड्स में, जिसमें इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज, कंपनीज, कंपनी के बिहेवियर, कंपनी के करंट ट्रेंड, इन सारी चीजों को जाना जो हमें फंडामेंटल एनालिसिस में काम लग सकते हैं, राइट? आप लोगों ने अलग-अलग चीजें जानी, किस प्रकार से एफआईआई अपना स्टेक बढ़ाते हैं, किस प्रकार से म्यूचुअल फंड के स्टेक होते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन को हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। आप लोगों ने एक मेथड देखी, वैल्यूएशन की मेथड, जिससे आप फेयर वैल्यू ढूंढने का प्रयास करते हो। अब फेयर वैल्यू की मेथड्स कई अलग अलग हो सकती है, कई अलग अलग इंस्टीट्यूशन अलग अलग मेथड यूज करती हो। एमबीए में पढ़ाई में डीसीएफ मेथड आती है, राइट? हर मेथड का मूल पर्पस क्या होता है कि मैं वैल्यूएशन जान पाऊं मेरी कंपनी की, और दोस्तों मैं अंदाज लगा सकूं भविष्य का। हम ये भी जाने कि हम सारी कंपनियों का भविष्य का अंदाज नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी प्रेडिक्टेबल नहीं होती है। उसी प्रकार से हर इंडस्ट्री प्रेडिक्टेबल नहीं होती है। ज्यादातर इंडस्ट्रीज सप्लाई डिमांड पे चलती है और उनकी कॉस्ट फिक्स होती है, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी का अनुमान कर सकते हैं। पर कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जिनकी सप्लाई डिमांड भी सरकार तय करती है, कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी सरकार डिपेंड करती है। तो हो सकता है आप उन इंडस्ट्री को प्रेडिक्ट ना कर पाओ, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, वो सरकार के हाथ में है, राइट? अब जब हम चार्ट्स सीखने जा रहे हैं दोस्तों, तो चार्ट आप लोगों ने लास्ट वीक सीखे, हमने सोर्सेस सीखे कि हम कौन से चार्ट इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग प्रोफेशनल चार्ट्स इस्तेमाल करते हो सकता है कुछ लोग कोई अलग कंपनी के चार्ट इस्तेमाल करते हो। कोई भी जगह से आप चार्ट इस्तेमाल करो, हमें तो मतलब है भाव से। तो दोस्तों, चार्ट क्या रिफ्लेक्ट करती है? चार्ट दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्राइस का रिफ्लेक्शन है, प्राइस का रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों, भाव किस चीज के रिफ्लेक्शन है? भाव दोस्तों आने वाले समय की अर्निंग रिफ्लेक्ट करते हैं। जितनी ज्यादा अर्निंग कंसिस्टेंट होगी, उतने मेरे भाव कम वॉलेटाइल होंगे। जितनी ज्यादा अर्निंग प्रेडिक्टेबल होगी, उतने मेरे भाव कम वोलेटाइल होंगे। अगर आने वाले समय की अर्निंग पॉजिटिव लगती है, तो भाव भी पॉजिटिव रुख पकड़ते हैं। दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने, हमने लास्ट वीक एपिसोड 1 जरूर किया चार्ट, पर उन्होंने कभी भी चार्ट का इस्तेमाल नहीं किया? आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, एंड यू कैन राइट डाउन नो, और यू कैन राइट डाउन योर नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस व्हाइल यूजिंग चार्ट्स, ताकि मैं जान सकूं कि हमें चार्ट्स का अनुभव कितना है। महेश भाई ने लिखा नो, मतलब महेश भाई ने कभी भी यूज नहीं किया है। नो नीड टू वरी निधि, नो नेवर यूज्ड। महेंद्र देसाई कभी यूज नहीं किया है। विनोद भाई नेवर यूज चार्ट्स। भावना मैडम नेवर यूज चार्ट्स। एस सदावर्ते 1 to 2 years, वेरी गुड। केतन पटेल 5 years, वंडरफुल वंडरफुल। सो हम सबके बीच कुछ लोगों ने कभी भी चार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, कुछ लोग 1-2 साल से कर रहे, कुछ लोग 5 साल से कर रहे। मैं दोस्तों जो चार्ट इस्तेमाल करता था, हम लोगों को एक जमाने में चार्ट खरीदने पड़ते थे, तो
तो हम लोग उनको एन्युअल सब्सक्रिप्शन देते थे, तब जाके हमें चार्ट का इस्तेमाल करना मिलता था। पर दोस्तों आज ऐसा हरगिज नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये समय पे हमें चार्ट पैसे देके यूज करने पड़े। करीबन दशक होने को आया है मैं फ्री चार्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, राइट। जनरली मैं ये मानता हूं मैं बहुत सी सर्विसेज फ्री यूज कर रहा हूँ और बहुत सी सर्विसेज पेड यूज कर रहा हूँ। चार्ट की नहीं बात बता रहा हूं मैं, लर्निंग की या अलग अलग चीजों की। जैसे हो सकता है आप में से कई लोग सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे होंगे, फ्री भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, हो सकते हैं पेड वर्जन इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो मैंने ये जनरली देखा है कि फ्री की सर्विस इस्तेमाल करता हूं मैं हैप्पी रह सकता हूं, पर जब जब मैंने कोई भी जगह पे पेड वर्जन अपग्रेड किया है तो मुझे बहुत बढ़िया अनुभव हुआ है, राइट। तो मैं ज्यादातर ये सोचता हूं कि मेरा समय ना बिगड़े, इसलिए मैं ज्यादातर सर्विसेज आज पेड वर्जन यूज करता हूं ताकि मैं प्रॉपर उसका हर चीज इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन दोस्तों चार्ट में ऐसा नहीं है। मैं खुद, मैंने आपको बताया, दशक से फ्री वर्जन चार्ट के इस्तेमाल कर रहा हूं। ये ओपन सोर्स हो चुका है, तो चार्ट में ऐसा हरगिज नहीं है कि आप पेड वर्जन लोगे तो आपको एडिशनल सर्विस मिलेगी, आप हायर वर्जन इस्तेमाल करोगे मजा आएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं खुद, मैंने बताया आपको, सिंस डिकेड एक टाइम था जब मैं सालाना 25,000 रुपया पे करता था चार्ट इस्तेमाल करने के लिए, बट सिंस डिकेड आई हैव नेवर एवर पेड टू एनीबडी फॉर चार्ट। तो चार्ट के लिए एकदम फ्री रहिए, कभी भी हमें किसी को पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। अब ये जो चार्ट है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने मुझे जवाब दिया और मुझे पता चला आपके बारे में। इसके अलावा दूसरा एक सवाल, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी है? कितने लोग मानते हैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है, और कितने लोग मानते हैं दोनों जरूरी है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो ओनली टेक्निकल, ओनली फंडामेंटल और बोथ, राइट। महेंद्र भाई ने लिखा है बोथ, निधि बोथ, महेश भाई बोथ, केतन भाई बोथ, आशीष बोथ, भावना मैडम बोथ, सदाव्रते जी बोथ, विनोद भाई 100% फंडामेंटल एनालिसिस, निशांत सिंह बोथ, ओके वंडरफुल, वेरी गुड। देखो मेरा खुद का भी यही मानना था, जो आप लोगों ने जवाब दिए है वैसा। मेरा कम से कम इन्वेस्टमेंट की लाइफ के 5 से 6 साल ऐसे होंगे जब मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ चार्ट आ गया यानी मैं राजा हो गया, मुझे कोई फंडामेंटल सीखने की जरूरत नहीं है। और मैंने जहां से चार्ट सीखे भी थे वहां पे भी ऐसा ही था, फंडामेंटल कुछ काम का नहीं है। चार्ट में पहले काम होता है फिर फंडामेंटल काम होता है। मुझे महसूस हुआ बाद में ये कि वो गलत बातें थी जो मैंने सीखी थी, और मैं ये ओपन प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर कोई कहता है कि फंडामेंटल कोई काम का नहीं है, सिर्फ चार्ट सीखो, सब चार्ट में रिफ्लेक्ट होता है, दिस आर लाइज, ये गलत चीजें हैं। मैं मानता हूं कि चार्ट में रिफ्लेक्शन आते हैं, लेकिन दोस्तों चार्ट में लेट रिफ्लेक्शन आते हैं। अगर मैं फंडामेंटल नहीं सीखता हूं, खाली चार्ट सीखता हूं, तो मैं अधूरा हूं। उसी प्रकार से अगर मैं खाली फंडामेंटल सीखता हूं तो भी मैं अधूरा रह सकता हूं। कैसे, मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों हम लोग कई समय से जानते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री म्यूटेड थी, राइट। ऑटो इंडस्ट्री वॉज म्यूटेड सिंस लास्ट 5 years, 5 साल से कोई ग्रोथ नहीं था। पर H2 यानी Q2 के जब नतीजे इस बार आए तो हमने देखा कि कई कंपनियों ने Q2 के नतीजे में लाइफटाइम हाई सेल्स किया। उसमें आपका मदरसन भी था, बजाज ऑटो जैसी कंपनियां थी, ऑटो एंसिलरी की कंपनियां थी, टायर्स की कंपनियों ने तो सबसे पहले लाइफटाइम हाई लगाए। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल, 5 साल से गाड़ियां नहीं बिक रही थी, म्यूटेड था पूरा माहौल। पर Q2 में क्या हुआ कि डिमांड आई,
तो क्वार्टर टू के जो नतीजे आए वो एक चीज कहते थे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिवाइवल बढ़िया आ रहा है। वो कोरोना से अफेक्टेड क्वार्टर वन में थी, पर क्वार्टर टू में ऐसा नहीं था। सेम थिंग इन टेलीकॉम, 10 साल से टेलीकॉम में मंदी है, 10 साल से। आप लोग एक जमाने में बात करने का पैसा देते थे, राइट? आज जो आप पैसा दे रहे हो वो बात करने का नहीं दे रहे हो दोस्तों, बातें तो फ्री में हो रही है। आज जो आप पैसा दे रहे हो वो इंटरनेट का दे रहे हो, देखो कितना बड़ा चेंज आया, राइट? तो बात करने के पैसे देने नहीं थे कंपनी को, पहले हम उसके पैसे देते थे। टेलीकॉम इंडस्ट्री में जबरदस्त मंदी 10 साल से, लेकिन क्वार्टर वन इटसेल्फ जब लॉकडाउन आया, जबरदस्त अप स्पाइक देखा गया फंडामेंटली टेलीकॉम की कंपनियों में। तो ये होता है फंडामेंटल, जो आपको एडवांस में इंडिकेटर देता है, आपको एडवांस में पता चल जाता है कि कुछ इंडस्ट्री कोविड अफेक्टेड है, कुछ इंडस्ट्री में बिल्कुल अफेक्शन नहीं है। तो भाव में देखो, शुरुआत में तो भाव सबके गिरे थे, पर जैसे जैसे फंडामेंटली हमने देखा कि नतीजे आ रहे हैं और कुछ इंडस्ट्री में बिल्कुल इफेक्ट नहीं है कोरोना की, आप देखोगे तो उन कंपनियों ने लाइफ टाइम हाई लगा लिए, और जो इंडस्ट्री कोरोना से अफेक्टेड थी उन्होंने लाइफ टाइम हाई नहीं लगाए। देखो अब भी जस्ट मैंने शाम को आपको यूटिलिटी नॉन इलेक्ट्रिक सेक्टर अपडेट किया, गेल जिसका राजा है, IGL MGL छोटी कंपनियां है पर डेट फ्री कंपनी है, बढ़िया कंपनियां है। अब इस इंडस्ट्री में आप मानते होंगे कि गैस मेन प्रोडक्ट है उनकी, अब आप ये भी कह सकते हो पीयूष भाई घर पे तो हमने पूरा गैस इस्तेमाल किया है तो कोविड की कोई इफेक्ट नहीं रहनी चाहिए, लेकिन ये इंडस्ट्री को ज्यादा धंधा मिलता है गाड़ियों के गैस से, राइट? नेचुरल गैस गाड़ी में जो हम कराते हैं, तो गाड़ियां तो आपकी सब बंद थी, घर पे पड़ी हुई थी, तो ये इंडस्ट्री कोरोना अफेक्टेड थी। क्वार्टर वन में ही हमने देखा 80% 90% धंधे डाउन, फिर रिकवरी बाकी सेक्टर में आई, पर आपकी यूटिलिटी में रिकवरी नहीं है, रिकवरी हम बोल सकते हैं पर इतनी जबरदस्त रिकवरी नहीं है। तो पूरा साल खत्म हो गया पर अभी भी हमने देखा कि आपकी गेल के धंधे 15% तो टूटे हुए रहे, राइट? यानी ये इंडस्ट्री कोरोना से अफेक्टेड है। अब आपको पता चलता है फंडामेंटल से कि कुछ इंडस्ट्री बिल्कुल अफेक्टेड नहीं है। मैंने कल ही टायर इंडस्ट्री के डेटा दिया आप लोगों को, आपने देखा बालकृष्ण के 20% धंधे बढ़े। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल यार, लॉकडाउन था, गाड़ियां कम बिक रही थी, हम तो ऐसा मानते थे। अब GDP 7.5% डाउन, पर आपकी टायर की कंपनियों के धंधे 20%, अब हाउ इट इज पॉसिबल। यही कमाल है फंडामेंटल के, आपको एडवांस में पता चल गया था टायर में कमाल है, टायर डिमांड में है। सबसे पहली तेजी टायर में आई, फिर ऑटो एंसिलरी और ओवरऑल आपकी टू व्हीलर इंडस्ट्री सब धीमे धीमे ग्रोथ में आ रही है, पैसेंजर कार में आप ग्रोथ देखोगे, और सबसे आखिर में कॉमर्शियल व्हीकल में दिखता है हमेशा ग्रोथ, हमेशा की ये बात है, राइट? अब आप मुझे बताओ लाइफ टाइम हाई कौन लगाएगा, बालकृष्ण और MRF जैसी कंपनी लगाएगी या गेल लगाएगा जो कोरोना अफेक्टेड है? गेल इज ऑल्सो गुड कंपनी, वो भी यूटिलिटी है, पर बालकृष्ण और MRF ने लाइफ टाइम हाई लगा दिए, गेल ने नहीं लगाया। तो ये चीज आपको फंडामेंटली पता चल जाती है। आप लोगों ने जब नतीजे देखे थे आपने देखा था कि किस प्रकार से अल्कोहल की जो कंपनियां थी वो कोरोना अफेक्टेड थी, देखा था कि नहीं? धंधे उन लोगों के इतने अच्छे नहीं थे। अब देखो आखिरी क्वार्टर में हमने रिकवरी देखी थी, पर लाइफ टाइम हाई धंधा तो किसी भी दारू की कंपनी का नहीं आया, अल्कोहल की कंपनी का। तो आप क्या सोचोगे अल्कोहल की कंपनियां सब लाइफ टाइम हाई लगा रही होगी? नहीं, रिकवर हुई है, लाइफ टाइम हाई नहीं है। सो दिस इज फंडामेंटल, फंडामेंटल आपको एडवांस में बताता है कहां पे क्या होगा। फिर दोस्तों क्यों लोग कहते हैं कि चार्ट एडवांस में चलते हैं और फिर मैं क्यों चार्ट सीखूं? यस, क्यों
कुछ लोग कहते हैं कि चार्ट एडवांस इंडिकेटर देते हैं और मेरे को क्यों सीखने चाहिए चार्ट। दोस्तों आशीष शाह ने लिखा है राइट एंट्री एग्जिट पॉइंट। आशीष भाई चार्ट राइट एंट्री एग्जिट पॉइंट दे सकता है, जरूर दे सकता है, पर वो भी अंदाज देगा। देखो राइट एंट्री एग्जिट पॉइंट जैसी कोई चीज का जन्म नहीं हुआ है, बराबर ना। हम लोग कहते हैं देखो 61% एक गोल्डन लेवल है, ले लो। जैसे हमने गेल वहां पे 80 पे लिए थे, एसबीआई 150 पे लिया था, अच्छे लेवल थे। लेकिन अगर फंडामेंटल वहां पे भी सपोर्ट नहीं करेंगे, मंदी कंटिन्यू रहेगी, तो आपका मदरसन सुमी तो 80% टूटा था। तो देयर इज नथिंग लाइक रियल सेंस में राइट एंट्री और एग्जिट पॉइंट। मैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए बोल सकता हूं कमाल का लेवल है, आ जाओ दोस्तों 61% पे माल खरीदो, पैसा बनेगा, गलत चीज है। वो लेवल अच्छा है, बट देयर इज नथिंग लाइक राइट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। ये सारे फंडामेंटल से चलते हैं, आपको फंडामेंटल के साथ अंदाज लगाने होंगे। लेकिन दोस्तों चार्ट से जैसे आपने फंडामेंटल में देखा फेयर वैल्यू, एक लेवल होता है जहां पे शेयर गिर गिर के सस्ता हो जाता है, जहां पे लेने पे आपको पता है डिविडेंड अच्छे मिलेंगे, ऐसे लेवल पे डिमांड आती है, राइट, दिस इज फेयर वैल्यू। वैसी ही वैल्यूएशन चार्ट में होती है। दोस्तों चार्ट में भी फेयर वैल्यू होता है, चार्ट में भी लेवल होते हैं जहां से डिमांड आती है। यानी ये जो बड़े निवेशक है जिनसे शेयर हिल सकते हैं, अब देखो कल मैं कल खरीदूंगा ना 100 शेयर मदरसन के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मदरसन के भाव पे। पर बड़े खिलाड़ी आएंगे और उन्होंने करोड़ शेयर लिए, जरूर फर्क पड़ता है। उससे एक बाउंस मिलता है या एक सपोर्ट मिलता है, वो टेम्पररी होता है। ऐसा नहीं है कि कल म्यूचुअल फंड ने खरीदा और अभी ये शेयर कभी टूटेगा नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग फ्रेंड्स। कुछ लोग बोलते पीयूष भाई कल म्यूचुअल फंड ने क्या खरीदा वो बताओ ना, अरे कुछ लोग बोलते कल म्यूचुअल फंड क्या खरीदेंगे वो एडवांस में बताओ ना, जान सकते हो। देखो आपके और वो म्यूचुअल फंड के भी तरीके, आप दोनों का दिमाग एक जैसा चल रहा है। अगर आपका दिमाग कहता है कि ये जगह डिमांडिंग है, तो वो म्यूचुअल फंड को भी लगता है ये जगह डिमांडिंग है, आप खरीदो, कल जरूर म्यूचुअल फंड के बाइंग आएंगे। मैंने मेरे अनुभव में देखा है कि मैं खरीदूं और मैं देखता हूं कि कोई बड़ा रिनाउंड इन्वेस्टर भी बाय करता है, वो हमें थोड़ी ना देख रहा है, ना हम उसे देख रहे हैं, पर हम दोनों को तो पता है कि ये लेवल अच्छा है, राइट। सो नो नीड टू कॉपी एनीबॉडी, किसी को कॉपी नहीं करना है, लेकिन हमें पता रहे कि बड़े खिलाड़ी भी क्या कर रहे हैं, राइट। तो फंडामेंटल से आप अंदाजा लगाते हो कि ये लेवल अच्छा है, आप ही की तरह बाकी बड़े खिलाड़ी जो अंदाजा लगाते हैं वो खरीदते हैं, जिससे एक सपोर्ट बनता है और चार्ट बनते हैं। आप ऐसी कंपनी को बाय कर रहे हो जो डिमांडिंग इंडस्ट्री से है, जो क्वालिटी कंपनी है, आज उसका भाव 100 रुपया है। अब आपको कई कंपनियों में पता है कि ये सब कंपनियों में 15% का तो ग्रोथ मिलने ही वाला है, मतलब ये कि 10 गुना तो भाव उसका होने ही वाला है। तो चार्ट देखो दिमाग में बन गया। अब चार्ट बन गया तो आपने एडवांस में चार्ट प्रेडिक्ट कर लिया है, ये होने ही वाला है, सिवाय के कोई ऐसी घटना घटे जो उस इंडस्ट्री को तबाह करे, इंडस्ट्री ना बढ़े, या कोई ऐसी घटना बने कि प्रमोटर कोई बड़ी चोरी बोरी करते थे, हमें नहीं पता था और वो चोरी में पकड़े गए, फिर निवेशक को भरोसा चले जाता है। अब ऐसा कभी कभी होता है, राइट, कभी कभी, ये रोज की घटना नहीं है कि मुझे इसका रिसर्च करना है कि ऐसा ना हो उसके लिए क्या, ये कभी कभी की घटना है, राइट फ्रेंड्स। अब टेक्निकली क्या होता है पता है, कुछ चीजें हो सकता है हमें एडवांस में ना पता हो, राइट, जैसे जैसे आप लोगों ने जान लिया कि ये इंडस्ट्री में यूटर्न है, ये इंडस्ट्री कोरोना से अफेक्टेड नहीं है, कोई बेचारा नया बंदा है उसको नहीं पता है,
कि ये इंडस्ट्री कोरोना से अफेक्टेड नहीं और ये इंडस्ट्री जोरदार चलने वाली है। वो नया बंदा अगर चार्ट देखता है तो उसको चार्ट में आपका बिहेवियर पता चलता है कि यार ये शेयर क्यों टूटता नहीं है, ये क्यों चल चल कर रहा है। तो वो जो बंदा चार्ट देख रहा है वो आपके एक्शन को जानने का प्रयास करता है। वो चार्ट में क्या देखने का प्रयास कर रहे हैं, ये FII क्या कर रहा है, म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, क्यों ये शेयर टूटता नहीं है, क्यों मदरसन पुराने लेवल पे आ गया, क्यों बालकृष्ण ने एडवांस में लाइफ टाइम हाई लगा दिया, क्यों कुछ शेयर अभी भी नहीं चले, ये जवाब उनको चार्ट में मिलते हैं। तो चार्ट दोस्तों आफ्टर एक एक्शन का रिएक्शन है। क्या कहेंगे आप, जो घटना फंडामेंटल में दिख रही है उसका रिएक्शन आता है चार्ट में। पर कभी कभी आप इनएक्टिव हो तो आपको चार्ट से एडवांस में पता चल सकता है। कैसे, मान लो आपने कोई नतीजे नहीं देखे पर आपने खाली चार्ट देखा और आपको पता चल गया कि यार ये बालकृष्ण कैसे पहले चल रहा है, इसको नहीं चलना चाहिए, कोरोना का टाइम है, ये तो पूरी हुई ऑटो इंडस्ट्री टूटी हुई है, फिर क्यों बाल चल रहा है, जरूर कुछ है, चलो इसके फंडामेंटल चेक किए जाए। आप चार्ट से फंडामेंटल पे आए, राइट? तो कभी ऐसा होगा अचानक कोई इंडस्ट्री चल रही होगी, आपको नहीं पता है, आपने नहीं देखे फंडामेंटल, पर वो इंडस्ट्री चल रही है फिर आप फंडामेंटल देखने आते हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो दोनों चीजें जब आपने सीखी होती है तब आपको क्या बाजार में चल रहा है वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों। तो मैंने मेरे अनुभव में ये सीखा, मुझे बरसों 5-6 साल मुझे ऐसा लगा होगा कि चार्ट मेरे को आ गया यानी मैं राजा, फिर मुझे पता चला मैं गलत हूं। ऐसे मेरे लाइफ में 5-6 साल भी थे जब मेरे को ये लगा पता चला और खाली फंडामेंटल पता चल गए मैं राजा, मुझे पता चला नहीं मैं गलत हूं। मुझे बरसों बाद पता चला कि ये दोनों चीजें जरूरी है, अगर मैं ये दोनों चीजें को जानता हूं तो ये दोनों चीजें साथ में चलती है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अलग अलग चलता है, ये दोनों अपने साथ संलीन है, जैसे रेलवे की जो पटरी होती है ना कैसे साथ चलती है, कभी अलग नहीं है। समझ लो एक फंडामेंटल की लाइन है एक टेक्निकल की लाइन, कभी भी अगर रेल की पटरी में डाइवर्जेंस आ जाए ना तो समझ लो एक्सीडेंट होने वाला है, एम आई राइट और रॉन्ग? मतलब डाइवर्जेंस, कभी फंडामेंटल चलता जा रहा है टेक्निकल नहीं चल रहा है, समझ लो कुछ घटना घटने वाली है। कभी कभी टेक्निकल चलता जा रहा है, शेयर दौड़ते जा रहे, फंडामेंटल कुछ है नहीं, समझ लो कुछ घटना घटने वाली है। तो हमेशा फंडामेंटल और टेक्निकल साथ चलेंगे। मेरी लर्निंग के दशक बाद मेरे इस जो लाइन में कहने वाला उसको ध्यान से सुनिएगा, जब मैं शेयर बाजार सीखता था प्रोफेशनली सीखता था वो मेरी लर्निंग के 10 साल बाद भी मुझे ऐसा था कि फंडामेंटल टेक्निकल साथ में नहीं होते। जस्ट इमेजिन करो मैं कितना गलत था, राइट फ्रेंड्स? ऐसा हरगिज नहीं है, फंडामेंटल और टेक्निकल दोस्तों साथ में चलते हैं, एब्सोल्युटली राइट। अमरजीत सिंह ने जो लिखा है, इन नटशेल वी मे से चार्ट्स कॉम्प्लीमेंट फंडामेंटल एंड नॉट वाइस वर्सा, एब्सोल्युटली यू आर राइट। तो अब मैं यहां पे चार्ट ओपन करता हूं, ये चार्ट मैंने ओपन किया जस्ट लास्ट वीक, आप लोग सीखे हो, आप लोगों ने चार्ट में अलग अलग प्रकार के चार्ट देखे। अब मैंने बरसों लाइन चार्ट पे काम किया था, फिर ये OHLC चार्ट आया, फिर कैंडल आया, अब ये अलग अलग चीजें आती जाएगी। आज हम लोग कैंडल इस्तेमाल करते हैं तो आप ये दो चीज नहीं जानोगे, ये डाउनग्रेडेड है, आप ये चीज नहीं जानोगे तो भी चलेगा। कई अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर है, बिलीव मी मैंने हर इंडिकेटर के लिए किताबें ली है, हर इंडिकेटर के क्लासेस किए हैं, फिर मुझे पता चला कि ये 95% इंडिकेटर तो खाली कोर्स बनाने के लिए होते हैं, खाली किताब लिखने के लिए, उनको पसंद थी, उनको पता चला ना
कि ऐसा भी इंडिकेटर है, तो उसके ऊपर किताब लिख दी, पीयूष पटेल ने खरीद ली और मैंने अपने 2 साल उसके पीछे दे दिए। अब वो काम की थी नहीं थी अलग बात है, पर इंफॉर्मेशन को उन्होंने किताब में डाइवर्ट किया और मैं इंफॉर्मेशन के पीछे 2 साल दौड़ा। तो दोस्तों मैं आपको अभी से आगाह करना चाहूंगा, आपने जाना 80% इंडस्ट्रीज काम की नहीं है, 20% इंडस्ट्री काम की है जो वेल्थ क्रिएट करेगी। आपने जाना परेटो रूल, 80% कंपनियां काम की नहीं है, सिर्फ बिष्ट का कंपनियां काम की है जो पैसा बनाएगी। उसी प्रकार से जान लो 80% चीजें चार्ट में जो बहुत पॉपुलर है, रियली दे आर हाईली पॉपुलर। और कभी भी मैं देखता हूं तो वीडियोस में उनकी बातें हो रही होती है, होता है ना, जैसे हमने कोई वीडियो पोस्ट किया, पीछे किसी का वीडियो आ रहा है, देखते हैं तो वो उस इंडिकेटर पे बात करते हो और वो इंडिकेटर को लोग बताते हैं ये गोल्डन इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आपने जान लिया मतलब समझ लो ब्रह्मास्त्र आ गया। लेट मी टेल यू, ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं है दोस्तों, मैं आपको क्लियर कहना चाहूंगा दोस्तों, सिर्फ 20% चीजें काम लगेगी हमें चार्ट में, इसीलिए हमें चार्ट में डॉक्टर नहीं बनना है। लेकिन जो काम की 20% चीजें है, जो समझने में लोगों को 10-15 साल लगेंगे, आज जो लोग हजारों चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग भी आप ही की तरह कुछ ही चीजों पे काम करने वाले हैं, और उनको देने दो 10 साल, आप अभी से समझ जाओ हम सिर्फ वो ही चीज सीखेंगे जो काम की है। राइट, मैंने समय बिगाड़ा, मैंने पैसा बिगाड़ा, मैं नहीं चाहता आप लोगों का ना बिगड़े, इसीलिए मैं आपको एडवांस में आगाह कर रहा हूं। फिर भी मुझे पता है हमारे माइंड में एक इंटिमेसी होती है हर चीज को जानने की, और हमें ऐसा महसूस होता है हमेशा, नहीं नहीं मेरे को वो नहीं पता है ना, इसलिए मैं अधूरा हूं, मुझे वो जानना पड़ेगा नहीं तो मैं नहीं कमाऊंगा। ऐसा नहीं, ऐसी कितनी चीजें मेरे को पता है जो मैंने 10 साल से इस्तेमाल ही नहीं की, कोई रोल ही नहीं उनका वेल्थ क्रिएशन में। इसीलिए वो सारी चीजों पे डीप में जाके कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों मैं आगाह भी कर रहा हूं और मैं बता भी रहा हूं आप लोगों को, हम लोग यहां पर आने वाले कुछ वीक्स में हर वो चीज सीखेंगे जो दोस्तों वेल्थ के लिए जरूरी है, पर आपके डॉक्टर बनने के लिए जरूरी नहीं होगी। यानी जब आप बाजार में जाओगे, हो सकता है बाजार में बहुत से डॉक्टर भी होंगे जिन्होंने चार्ट को डॉक्टरी हासिल कर ली होगी, पर उसके साथ मैं ये भी बता दूं जरूरी नहीं है वो कमा रहे होंगे, आपको वो सब चीज नहीं पता होगी, पर मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं आप कमा रहे होंगे, दैट्स माय 100% गारंटी। ओनली फोकस ऑन दोस थिंग विच वर्क्स, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन दोस थिंग्स विच ओनली लुक्स ब्यूटीफुल, खाली अच्छा दिखे इसके लिए मैं सीखूं जरूरी नहीं है। Right, friends? So here we are going to keep our chart analysis sweet and simple. फिर भी आप लोगों को किसी को आप में से लगता है कि मेरे को डॉक्टरी हासिल करनी ही है तो आप कहिएगा मेरे को, हम डॉक्टरी के लेवल पे जाएंगे, राइट? लेकिन ये कोर्स में नहीं, हम बाद में सीखेंगे, वो कभी काम नहीं लगेगी, पर फिर भी सीखना है। I am always open for anything, but मैं सबको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं सब पैसा कमाए, राइट? तो पैसा कमाने के लिए जो जरूरी है वो कोई बाकी नहीं रहेगी चीज दोस्तों, ये भी मेरी श्योरिटी। ओके, सो लेट अस नाउ फोकस ऑन दिस चार्ट्स। आप लोगों ने दोस्तों कैंडल्स देखी, आप लोगों ने इंडिकेटर्स कहां से खोलने हैं देखा, आप लोगों ने पीरियडिसिटीज देखी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मानोगे मैंने मेरी जो एजुकेशन की जो लाइफ है उसमें 80% टाइम नॉन प्रोडक्टिव चीजों के वेस्ट किया है दोस्तों, नॉन प्रोडक्टिव चीजों पे वेस्ट, पीरियडिसिटी में। मेरी आधी जिंदगी चार्ट में, वन डे चार्ट पे गुजरी है, 5 मिनट चार्ट पे गुजरी है, ये 5 मिनट चार्ट है, देखा
अधिस जिंदगी कह रहा हूँ 5 मिनट चार्ट पे। अब ये गोल गोल क्या है, ये डॉक्टर का जो वो होता है ना ऑक्सीजन का मीटर, मेरे को तो वैसा दिख रहा है, मैं हमेशा कंफ्यूज था इसके अंदर। अब ये सब चीजें थी इंट्राडे के लिए, ट्रेडिंग के लिए, राइट। मैं वेल्थ की दुनिया में घूम रहा था, यहाँ पे काम नहीं लगने वाला था, पर मैंने मेरे लाइफ का 80% समय यहाँ पे बर्बाद किया है दोस्तों। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, ये कोई चीजें हमारे काम की नहीं है। यू आर अ वेल्थ क्रिएटर, आपको एक एक दिन की मूवमेंट का कोई काम नहीं है। बिलीव मी, मेरे को आज का बाजार बिल्कुल नहीं पता है किधर क्लोज हुआ है, मैंने देखा नहीं है, आई वॉज बिजी। अब मेरे को बिजी बाजार में रहना भी नहीं, क्योंकि ये रोज रोज की मूवमेंट देखे मेरे को क्या करना है, मेरे को पता ही है निफ्टी 30,000 आने ही वाला है। अब आज बढ़े नहीं बढ़े मुझे क्या लेना देना उसके साथ, राइट। सो नो नीड टू गो विद दिस डेली। हम सीधे सीधा यहाँ पे 1 मंथ चार्ट पे आते हैं तो कुछ चीजों की क्लियरिटी होती है। ये मैंने आप लोगों के सामने निफ्टी का 1 मंथ चार्ट खोला, ये भाव है, ये मूवमेंट है हर महीने की। मेरे ख्याल से आप जितने लोग मीटिंग में हो आपको इतना तो क्लियरिटी होगा कि ये 1996 के आसपास, 2000 के आसपास यहां आपको भाव दिखेगा। इसका भाव कितना था? 1000 रुपए के आसपास। Am I right or wrong? 1000 रुपए का मेरा निफ्टी था, आज मेरा निफ्टी 15,000 है। तो मुझे इतना समझ में आता है निफ्टी ने 15 गुना पैसा करके दिया। अगर मैंने कुछ नहीं किया होता, पैसा निफ्टी में डाला होता, पैसा मेरा 15 गुना हुआ है। 15 गुना यानी मैं ऐसा भी नहीं कह रहा बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न, नो, 12% जैसा रिटर्न हुआ, एवरेज रिटर्न है मेरे को। अगर मैं चाहता हूं मैं निफ्टी को आउट परफॉर्म करूं, तो हमने जो फंडामेंटल सीखा ये जरूर आपको आउट परफॉर्म कराने वाला है, राइट फ्रेंड्स। यहां पे दिस इज द निफ्टी चार्ट, राइट। कितना सिंपल, मेरे को यही जानना है हाई वॉलेटिलिटी कब थी दोस्तों, आप मुझे बताओ। जबरदस्त वॉलेटिलिटी आपको कहां दिख रही है? You can write down in your chat box. Volatility मतलब जबरदस्त गिरा बाजार। 2008 और 2020 में सर। कितना सिंपल है ये जानना। 2008 और 2020। तो 2008 में बाजार क्यों गिरा था? अरे बाप रे, 6000 से 2000, यानी कितना? 6 का आधा 3, 3 से भी आधा करीबन 70%। तो सीधी बात है, अगर निफ्टी इतना टूटा था, अगर निफ्टी ने आपके 6,500 के 2200 करके दिए, तो वो समय पे लोगों के भी 1,30,000 हुए होंगे कि नहीं? Am I right or wrong? Right. कोई ये बोले कि नहीं मेरे नहीं हुए थे, विश्वास मत करना उनका, बराबर है। बाजार बेंचमार्क है, निफ्टी बेंचमार्क है। निफ्टी टूटता है सब चीज टूटती है, पर कुछ इंडेक्स ऐसे होते हैं जो आउट परफॉर्मर होते हैं, जैसे आप लोगों ने ही तो ढूंढे। मेरे को आप 5-6 आउट परफॉर्मिंग सेक्टर बता सकते हो जो आप लोगों ने ढूंढे थे डिमांडिंग सेक्टर के समय पे? कौन सा? आईटी। आईटी, एब्सोल्युटली राइट, आईटी। मैं आईटी देखूं कैसा चला है? मेरे को आईटी देखना है, मैं कैसे देखूंगा बोलो, मैं क्या करूं आईटी देखने के लिए? आईटी लिख के खाली सीधा देखो। मैंने देखा है कुछ लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इधर क्लिक करके, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मैं सीधा सीधा निफ्टी आईटी लिखा, आ गया। तो क्यों कॉम्प्लिकेटेड करे? आपकी, मैंने आपसे 20 मिनट मांगी थी रोज की, तो 20 मिनट में अगर हम ऐसा टाइम बिगाड़ेंगे तो बहुत समय चला जाएगा। हमें थोड़ा स्मार्ट बनना होगा, कम समय में हम एडवांस चले। दिस इज निफ्टी आईटी। तो ये निफ्टी आईटी है। देखो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ, आप लोगों ने जीडीपी जाना था, बता सकते हो कितना था? आधे ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन। तो निफ्टी ने आपके जीडीपी को रिफ्लेक्ट किया। अब आईटी की कंपनियां पिछले 20 साल में कैसी चली होगी, क्या लगता है आप लोगों को दोस्तों? आईटी आपने देखा, आपकी टीसीएस,
15-15, 20-20% से उनके सेल्स ग्रोथ हुए। तो देखो यहाँ पे इंडेक्स का डेटा 2004 से पूरा आना नहीं है, है क्या यहाँ पे? नहीं है, पर चलो 2003 का डेटा है, राइट? 2003 में आपका आईटी करीबन 1500 था, अब निफ्टी कितना हुआ? 1500, निफ्टी 15 गुना हुआ ना, राइट? ये आपका आईटी कितना हुआ? 1500 का 30,000, यानी कितना? एनीबडी? 20 गुना। तो निफ्टी ने ज्यादा रिटर्न दिए कि निफ्टी आईटी ने रिटर्न दिए ज्यादा? आईटी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने फंडामेंटली और पहले से सीख लिया है कि ये डिमांडिंग सेक्टर है, ये सेक्टर डिमांड में, am I right or wrong? चार्ट को ऐसे समझना है हमें, कितना सिंपल है, राइट? अब ये निफ्टी आईटी याद रखना, यहां पे भी वोलेटिलिटी है, ये इधर जोरदार गिरा था निफ्टी आईटी, गिरा था कि नहीं? तो आप बोलो मैं तो पीयूष भाई स्मार्ट था, जब निफ्टी गिर रहा था ना तब मैंने आईटी लिया हुआ था। अरे तुम्हारा आईटी भी गिरा था यार, गोली मत खिलाओ कि मेरे को लॉस नहीं हुआ था। हर एक को लॉस होता है दोस्तों, हर एक के पोर्टफोलियो नेगेटिव होते हैं, तो ऐसा मत कहना कि वॉरेन बुफे का पोर्टफोलियो ये समय पॉजिटिव था। नहीं, पर वो सब प्रिपेयर होते हैं, उनको पता है मेरे को फोकस किधर करना है, और वो घबराते नहीं है, ये सब फॉल्स है। आपका आईटी 6000 से 2000 आ गया था, लेकिन मूल मंत्र क्या है? भले ये वोलेटिलिटी आई, ये आई तो कितने समय की आई? एक साल की आई। फिर वापस आपका आईटी 5000 से 10, 15, 20 और अभी 30 जा रहा है। क्या जबरदस्त पैसा कमाया। तो जो लोगों को ये एक एक साल की मंदियां सहन नहीं होती है, 1.5-2 साल की मंदियां, उन लोगों को वैसे शेयर बाजार में आना ही नहीं चाहिए, राइट? ये एफडी नहीं है जो हर साल 6% देगी, ये कभी कभी नेगेटिव रिटर्न देगी, पर ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको 15%, 20% के रिटर्न देने वाली है। तो कमाल होने वाला है, इधर जबरदस्त वेल्थ क्रिएट होगी। ये एफडी नहीं है जो खाली व्याज देगी, ये इक्विटी है जो व्याज यानी डिविडेंड भी देगी और वैल्यू को भी बढ़ाएगी, जबरदस्त वेल्थ बनेगी। सो प्लीज डोंट कंपेयर जस्ट लाइक एफडी, ये स्टैटिक नहीं है, दिस इज डायनामिक, राइट? अभी आईटी का क्या हाल है आप कह सकते हो? क्या ये कोरोना अफेक्टेड इंडस्ट्री है? एनीवन? अगर कोरोना अफेक्टेड होती तो देखो यहां मार्च में कोरोना आया ना, जबरदस्त गिरा था आईटी भी। अब देखो किसी को पता नहीं था क्या होगा कोरोना में, आईटी भी गिरा कि नहीं? तो आप बोलोगे मेरे पास तो आईटी शेयर थे, मेरा पोर्टफोलियो नहीं गिरा था। गलत बात है, कोरोना में सबका पोर्टफोलियो डाउन हुआ, पर जिनके पास डिमांडिंग इंडस्ट्री थी ना उनका पोर्टफोलियो पहले रिकवर हो गया। 3 महीने की मार के बाद रिकवरी आई और देखो लाइफ टाइम हाई लग गया। तो जिनके पास डिमांडिंग इंडस्ट्री थी, क्वालिटी कंपनियां थी, उनका पोर्टफोलियो कोरोना में था, उसका यहां पे दिख रहा है आपको कहां से कहां। और जिन लोगों के पास ऐसी इंडस्ट्री होगी जो कोरोना में अफेक्टेड है, उनका पोर्टफोलियो अभी भी नीचे होगा। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सो इट्स सिंपल, कितना एकदम सरल बातें है ये सारी, देयर इज नथिंग लाइक कॉम्प्लिकेशन हियर। मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ध्यान में आई है, कल मेरे ख्याल से कल का न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था सुबह चाय पीते पीते। जनरली चाय पीते समय थोड़ी नजर कर लेते न्यूज़पेपर पे, तो न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि उसमें हेडलाइन थी स्टॉक मार्केट के कॉलम में, स्मॉल कैप में लोगों को जबरदस्त कमा के दिया इस तेजी में। आप लोगों ने पढ़ी वो हेडलाइन? पढ़ा था सर। स्मॉल कैप ने यस सर माला माल करके दिया है लोगों को, राइट? तो चलो स्मॉल कैप ने जबरदस्त माला माल करके दिया तो देखना पड़ेगा स्मॉल कैप, अगर ऐसा है तो हमको भी स्मॉल कैप ही लेना चाहिए, है कि नहीं? मैंने ये बहुत बार पढ़ा है। तो भाई कुछ स्मॉल कैप बताओ ना जो मजा आ जाए एकदम। अब यहाँ पे तो मेरे को
दस साल पहले भी टीसीएस अच्छा लगता था, आज भी वही अच्छा लग रहा है आईटी में। पर देखो जब हमने रेस्टोरेंट में जुबिलेंट लिया तो वो स्मॉल कैप था, आज आप एप्पल ले रहे हो, रूट ले रहे हो, वो स्मॉल कैप है। तो डिमांडिंग नई इंडस्ट्री में से आप जब आपको कंपनियां मिलेगी ना, वो सब स्मॉल कैप होगी और वो कल लार्ज कैप बनने ही वाली है। बिलीव मी, जब मैंने इंफोएज लिया था मेरे को नहीं पता था ये छोटा बच्चा ये बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है, लेकिन वो फ्रंट रनर था अपने सेक्टर का, तो वो स्मॉल कैप में से अपग्रेड हुआ लार्ज कैप में, राइट? लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है, राइट? हम देखते हैं, मैंने कल ही मनी कंट्रोल पे एक अपडेट देखी थी जिसमें लिखा था स्मॉल कैप ने जबरदस्त पैसा कमा के दिया ये बार। तो क्या आपके पास स्मॉल कैप है? लेट मी चेक इन चार्ट और आप मुझे बताना। अभी हमने निफ्टी देखा, निफ्टी आईटी देखा, मेरे को लगता है ये सब चीज तो समझ में आती होगी आपको, किसने कमा के दिया किसने कमा के नहीं दिया। अभी एक हफ्ता ही हुआ है चार्ट समझे, फिर भी दिस थिंग शुड बी क्लियर, दिस इज स्मॉल कैप। स्मॉल कैप जब भी आप देखो, निफ्टी स्मॉल कैप 100, लेट मी ओपन स्मॉल कैप 100, तो ये है स्मॉल कैप 100, राइट? अब ये जो स्मॉल कैप है, इसी प्रकार से आप देखो जबरदस्त वॉलेटिलिटी आपको किधर किधर नजर आ रही है, कोई बताएगा मेरे को? वेर यू कैन इवन राइट इन चैट बॉक्स कि कब हाई वॉलेटिलिटी आई स्मॉल कैप में? 2008 में। अगेन सेम, अरे बाजार गिरा तो कौन बचाएगा? तो 2008 में स्मॉल कैप 6000 के लेवल से गिरा। देखो बाजार भी 6000, स्मॉल कैप भी 6000, बाजार 2200 तक गिरा, स्मॉल कैप कहां तक गिरा था? 1400 तक, यानी 6000 के 1400 वैल्यूएशन, आधे के आधे। मैं गलत कह रहा हूं क्या? एग्जैक्ट आधे के आधे, यानी अगर मेरा पोर्टफोलियो प्रॉपर स्मॉल कैप का ही था तो 2008 में मेरे 125,000 हो गए होंगे, राइट और रॉन्ग? राइट। या अब कितने साल तक मेरे लाख लाख ही रहे? देखो ये मैं 2008 में यहां पे कि जो टोर्च है ना चोटी, वहां पे मैं ये मेरा माउस को ले गया और मैं ऑल्ट एच करता हूं तो एक लाइन बन जाती है। देखिए आपको ये लाइन, इस लाइन को मैं थोड़ी थिक करता हूं, मोटी कर देता हूं, ओके। अब मुझे थोड़ी समझ में आएगी चार्ट में। 2017 तक अगर किसी ने खाली स्मॉल कैप लेके रखे थे, मेरे पास भी स्मॉल कैप थे, जुबिलेंट, इन्फोएज जैसे, श्री सीमेंट जैसे, और मेरे पोर्टफोलियो में फ्रंट रनर भी थे, राइट? अगर मैंने खाली स्मॉल कैप रखे होते तो 2017 तक मेरा लाख लाख था। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। 2017 तक, फिर वो चला और 9000 हुआ, यानी 6000 के 9000, फिर वापस 2017 में। आपको पता है 2018 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट आया, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मुझे वो बता सके कि वो इंपॉर्टेंट इवेंट 2018 का क्या था। अगेन चैटबॉट और LTCA नहीं सर, वो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट नहीं है, वो तो होनी ही चाहिए। जीएसटी सर, देखो म्यूचुअल फंड जीएसटी अगर आया था तो जीएसटी से तो उल्टा ऑर्गेनाइज सेक्टर को फायदा हुआ। ये जीएसटी ही है जिससे धंधे बढ़े हैं ऑर्गेनाइज कंपनियों के, ये जीएसटी ही है जो जबरदस्त बूम दे रहा है इकोनॉमी को। तो जीएसटी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे सकते। ऐसा क्या हुआ 2018 में कि मैं अभी भी वही लेवल पे हूँ स्मॉल कैप में? जस्ट अंदाजा लगाओ। जो लेट मी चेक, भावना मैडम ने डीमोनेटाइजेशन लिखा, देखो डीमोनेटाइजेशन हुआ भावना मैडम 2018 में, उसका जबरदस्त नेगेटिव इंपैक्ट आया, लेकिन उसके पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत आए और आज उसने भी हमें पॉजिटिव ग्रोथ दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जो निफ्टी है
वो 2018 में जो लेवल था उससे नीचे होता, हमारा जीडीपी 2018 में जो था उससे कम होता, पर ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड नेम चेंज, नहीं सर। सेबी मार्केट कैप कैटेगराइजेशन, नहीं सर। नो। एक बड़ी चीज आप लोगों ने मिस कर दी, 2018 से दुनिया भर में क्या चल रहा है? रिसेशन। रिसेशन। तो 2018 से वर्ल्ड जीडीपी नहीं बढ़ा, यूएस जीडीपी म्यूटेड है, इंडिया का जीडीपी म्यूटेड है, तो उसकी इफेक्ट निफ्टी पे भी है। मैं बताऊं आपको, दिस इज निफ्टी, ये 2018 निफ्टी किधर था? 11,000। अभी किधर है? 16,000। मतलब ऑलमोस्ट कितने रिटर्न हुए? 40% इन 4 ईयर। नॉट अट्रैक्टिव, बहुत अच्छे रिटर्न नहीं है, पर हमारा निफ्टी 11,000 से 16,000 है, राइट? सेम थिंग इन आईटी। देखो आईटी किस पे डिपेंड होता है? ग्लोबल इकोनॉमी पे। आईटी को तो इंडिया से लेना देना ही नहीं है। 2018 में कितना था आईटी? 16,000। अभी कितना है? करीबन 32,000 पहुंचने को आएगा, तो अभी डबल होने वाला है आईटी, राइट? रिसेशन के बावजूद, लेकिन स्मॉल कैप के लवर है ना, 80% रिटेलर आर लवर ऑफ स्मॉल कैप। मेरा स्मॉल कैप सबसे अच्छा कितना था? ये स्मॉल कैप 9,500। अभी भी कितना है? 9,500। तो 2018 में जो ग्लोबल मंदी आई, रिसेशन आया, तो आपकी निफ्टी वो रिसेशन से धीमे धीमे निकल रही है। आपका आईटी निकल गया, पर स्मॉल कैप अभी भी वो रिसेशन में है कि नहीं है? मैं ये लाइन को अभी इधर ले जाऊं, इधर जस्ट अंदाजा लगाओ आप स्मॉल कैप के खिलाड़ियों का। अभी जब कोरोना आया ना 2020 में, तब अगर उनका 2008 में 1,00,000 का निवेश था, वो 50,000 हो गया था 12 साल बाद। कैन यू बिलीव इट फ्रेंड, ये 12 साल की घटना है ना दोस्त। 12 साल हो गए और कुछ लोगों के पोर्टफोलियो 1,50,000 है। जब वो लोग देखते हैं ना निफ्टी चल रहा है, उन लोगों को लगता है मैं टीवी का कांच फोड़ दूं। गलत कह रहा हूं तो मेरे को आप लोग कहिएगा। ज्यादातर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियां होती है जो निफ्टी को रियल में रिफ्लेक्ट नहीं करती है। उनको कुछ ऐसी चीजें पसंद है जो अच्छे नहीं। अब इसमें हम क्या करें? अब पेपर ने, मेरे को अभी भी नहीं पता चल रहा है वो न्यूज़पेपर ने कौन से बेसिस पे बोला कि स्मॉल कैप ने जबरदस्त कमा के दे दिए। क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है, 2018 में भी 9,500, करीबन 10,000, 97, आज भी 97। तो यानी मैं, जो लोग 2018 की तेजी में आए, अगर किसी ने 2018 में 1,00,000 लगाए, अभी भी उनका 1,00,000 तो लागी है, जबकि उन्होंने अगर निफ्टी में लगाए होते तो 1,00,000 करीबन 1,50,000 तो है। कुछ आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री होगी जो और परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो स्मॉल कैप के लवर है उनके तो 1,00,000 के 1,00,000 है। ये लोग आधा चित्र बता रहे हैं। इतना यहां पे मैं आपको कोशिश करना चाहता हूं दोस्तों, आधा चित्र मत देखिएगा। जब कभी आपको कोई कहे कि इसमें 3200 से 9,000 आ गया, तेर बस नहीं है स्मॉल कैप, सो बैड, आप उसको ये पूरा चित्र बताइएगा, राइट? और ये पूरी हिस्ट्री भी बताइएगा कि स्मॉल कैप भी 1,000 था, निफ्टी भी 1,000 था, आज निफ्टी 16,000 है, स्मॉल कैप 9,000 है, इतिहास कहता है, बढ़िया रिटर्न किसने दिए? लेकिन जब पीयूष पटेल ये कहेगा कि स्मॉल कैप इंडेक्स एवरेज रिटर्न, तो लोगों को बुरा लग जाता है। क्योंकि हम बाजार में सिक्के के आए हैं, ऐसी छोटी कंपनी में पैसा लगाओ जो कल बड़ी हो जाए। मैं भी यही ढूंढता था,
और अगर मेरा पोर्टफोलियो ऐसा होता तो मुझे एवरेज रिटर्न मिले होते। हिस्ट्री से सीखो दोस्तों, जो लोग रियर विंडो, वो गाड़ी में रियर कांच होता है ना जो मदर संसुमी बनाता है, कभी कभी टूट जाता है, पर रियर विंड कांच में देखे बगैर जो गाड़ी चलाते हैं उनके एक्सीडेंट बहुत होते हैं, राइट फ्रेंड्स। स्मॉल कैप लार्ज कैप ये सब मत ढूंढो, हमें ढूंढनी है ऐसी इंडस्ट्री जो आउट परफॉर्म करे, राइट। तो कुछ जो रूमर्स होते हैं बाजार में, उन रूमर्स से दूर रहिएगा दोस्तों। अब आपको क्या लगता है, निफ्टी 2018 से 50% ऊपर है, स्मॉल कैप ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या यू कैन यूज चैट बॉक्स अगेन, व्हाट विल यू से, क्या स्मॉल कैप 15,000 आएगा कि नहीं आएगा, क्या बोलते हो आप लोग? यस, निधि ने लिखा है यस। अरे सब लोग घबरा तो नहीं गए ना स्मॉल कैप से, मैंने नेगेटिव तो नहीं कर दिया, मैंने हकीकत रखी है। अर्जित बंसल 13,000, क्या बात है, वेरी गुड। निशांत सिंह यस, विनोद तसी जी 15,000, इफ निफ्टी गोस 30,000 देन स्मॉल कैप 15,000। विनोद भाई ये आपने बिल्कुल सही परखा है, मतलब राजा के पीछे पीछे वो जो पंखा लेके चलते है ना, वैसे स्मॉल कैप पीछे पीछे चलने ही वाला है, बराबर की नहीं? राजा है आपका निफ्टी, स्मॉल कैप भी तो 15,000 कल जाएगा, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्मॉल कैप करके स्मॉल कैप में बैठा रहा हूं। हमें क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, यू नो फ्रेंड्स, हमें शब्द इस्तेमाल करना चाहिए फ्रंट रनर, क्योंकि आप लोगों ने जब इंडस्ट्री बाइफर्गेट की, टॉप क्वालिटी कंपनी ढूंढी, तो आप लोगों ने खाली बड़ी कंपनियां खाली छोटी कंपनी पे फोकस नहीं किया है, आप लोगों ने फ्रंट रनर ढूंढे हैं। हर सेक्टर की ऐसी कंपनी जिसको धंधा करना आता है, क्वालिटी ढूंढी है, अब हो सकता है वो कंपनी आज स्मॉल कैप होगी, कल वो बड़ी बनने वाली, राइट। जो मैंने बालकृष्ण लिया था आज वो स्मॉल कैप से लार्ज कैप है, राइट फ्रेंड्स। आज जो आप लेने वाले हो ना वो कल लार्ज कैप बनने ही वाली है। अरे बिलीव मी, मैंने अल्ट्राटेक लिया तो अल्ट्राटेक नहीं था निफ्टी में, राइट। तो यही होगा दोस्तों आप लोगों के साथ, पर चार्ट कितने सिंपल है, राइट। दिस इज द वे यू शुड चेक चार्ट, थोड़ा खेलना चार्ट के साथ दोस्तों, बहुत मजा आएगी। चार्ट मजेदार चीज है और आपको बहुत सी चीजें सिखाएंगे, राइट। चलिए, चार्ट में और कौन से चार्ट है, और कौन से चार्ट है, कौन से इंडेक्स है, आप चैट बॉट में लिख सकते हो और हम आप जो इंडेक्स लिखेंगे उसका चार्ट चेक करेंगे आज, करना है ना, राइट। चलो, यू कैन राइट डाउन इट चैट बॉक्स एंड वी विल ओपन योर इंडेक्स और उससे थोड़ा खेलने का प्रयास करेंगे, ओके। निधि ने लिखा है बैंक निफ्टी, महेंद्र भाई ने लिखा है बैंक, बैंक निफ्टी, देखो पीएसयू बैंक आती है, बैंक निफ्टी भी आती है। अब वापस से आ जाओ निफ्टी में, याद रखना है ये चीजें, निफ्टी 1,000 से 15,000, ये लेवल याद रखने का। 2008 में निफ्टी के था 6400, आज है निफ्टी 16,000, कितना गुना हुआ 2008 से, दो गुना से ज्यादा। अब आप कंपेयर करते जाओ, राइट, लेट अस कंपेयर निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी, जैसा हमने देखा बैंक निफ्टी 2005 से डेटा है, राइट। ऐसा कभी हो तो क्या करने का, बीएससी भी चेक करने का, देखो निफ्टी बैंक एनएससी, निफ्टी पीएसयू बैंक एनएससी, यहां बीएससी नहीं है, मतलब निफ्टी बैंक खाली एनएससी का डेटा है। 2005 अधूरा डेटा है, 16 साल का, नो नीड टू वरी, 3500 था, जबरदस्त वोलेटिलिटी इधर आई 2008 में, 10,000 वाला निफ्टी 3500 आ गया, राइट। अब यही निफ्टी बैंक जो 10,000 था 2008 में, वो अभी कितना है, निधि एंड महेंद्र भाई
यस सर ओके निफ्टी 2005 में 3500 था आज 35,000 मुझे बताओ कितना गुना हुआ 10 गुना अब निफ्टी कितना गुना हुई 15 गुना अभी हमने देखा था ना 15 टाइम हुई थी निफ्टी पर वो डेटा आपका 2001 से था तो आपके पास 4 साल कम है यहाँ पे तो हो सकता है कुछ ऐसा हो तो आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं निफ्टी ने ही अच्छा रिटर्न दिया है पर निफ्टी बैंक ने भी अच्छा पैसा कमा के दिया मतलब किसी के पास अगर 2005 में बैंक की कोई आइटम थी तो आज वो 10 गुना होगी एम आई राइट और रॉन्ग 2008 में भी किसी ने अगर लिया हुआ था सोचो वो 1.5 साल फंस गए पर फंसने के बाद भी अगर उन्होंने बैंक रहने दी तो आज वो 10 का 35 यानी 3.5-4 गुना तो है ना 3-4 गुना तो पैसा तो उन्होंने पिछले 12 साल में भी अच्छे कमाए भले इतनी बड़ी मंदी आई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकी राइट अब ये है निफ्टी बैंक मुझे एक और चीज बताइए अगर आप इसको आईटी से कंपेयर करोगे तो निफ्टी आईटी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि निफ्टी बैंक अभी परफॉर्म कर रही है दिस इज कोरोना टाइम ये मैं कोरोना की लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां पे ये जवाब मुझे चाहिए निधि और महेंद्र भाई से एनीबॉडी हु इज परफॉर्मिंग गुड निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक निफ्टी आईटी सर कैसे सर निफ्टी आईटी का सर चार्ट निकालोगे क्या सर प्लीज सर मैं मोबाइल निफ्टी बैंक अभी भी कोरोना वाले लेवल पे है ना यस ऊपर है पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है राइट अभी हम निफ्टी आईटी देखते हैं दिस इज निफ्टी आईटी ये कोरोना वाला लेवल इधर है कोरोना से ह्यूज डिफरेंस राइट सो व्हाट यू विल से अभी निफ्टी बैंक अच्छा चल रहा है कि निफ्टी आईटी निफ्टी आईटी पर निफ्टी बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है या निधि महेंद्र भाई नहीं सर आउट परफॉर्म तो नहीं कर रहा है ज्यादा किया है बैंक से या यू बोथ आर राइट निफ्टी काफी रैली किया निफ्टी बैंक उधर के उधर है राइट खराब नहीं है देखो नीचे नहीं है कोरोना से पर ऊपर भी नहीं है बराबर है राइट नाउ ये निफ्टी बैंक हमें पता चला कि चार्ट से इतना तो पता चल रहा है कि उनके जो प्रॉफिट्स है ये हो सकता है निफ्टी की कंपनियों को आउट परफॉर्म नहीं कर रहे कुछ डर है जो हमने उनके रिजल्ट में देखा था मोराटोरियम याद है ना यस सर एनपीए बढ़ने वाला घटना राइट yes. right? उसकी इफेक्ट आपको भाव में दिख रही है अब मैं एक और बैंक यहाँ पे करता हूँ पीएसयू बैंक बताइए मेरे पास डेटा है देखो 2008 वाला डेटा नहीं है लेट मी चेक शायद बीएससी से मिल जाए ओके बीएससी में भी बैंकेक्स था पर प्राइवेट बीएससी बैंक नहीं है तो यही हमारे पास एक लौटा चार्ट है अब मुझे बताओ किसी ने अगर ₹1,00,000 गवर्नमेंट बैंक में 2012 में लगाए इधर अभी उनका वैल्यू कितना होगा आधा ना यू आर राइट क्या गवर्नमेंट बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं अंडरपरफॉर्म तो इधर से पता चल रहा है दे आर अंडरपरफॉर्मिंग ओवरऑल निफ्टी राइट पिछले इतने सालों में निफ्टी आईटी ने अच्छे रिटर्न दिए निफ्टी ने दिए कि गवर्नमेंट बैंक ने दिए आईटी अब जब आप लोगों ने फंडामेंटल देखे तब आपने ये भी तो देखा था कि गवर्नमेंट बैंक तो सब लॉस कर रही थी सबके एनपीए जबरदस्त तो ये लॉसेस कर रहे थे तो देखो भाव में भी इसकी इफेक्ट है राइट भाव और फंडामेंटल साथ में चलते कौन कहता है साथ नहीं चलते दे आर मूविंग टूगेदर राइट प्राइवेट बैंक लो प्राइवेट बैंक का चार्ट खोलता हूं
दिस इज प्राइवेट बैंक. प्राइवेट बैंक गवर्नमेंट बैंक को कम से कम आउट परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है? यस सर. राइट, सो दिस इज द वे यू कैन सी. आपको इंडेक्स इस प्रकार से देखते हैं. अभी हम लोग इंडेक्स पे डेटा देख रहे हैं चार्ट के, ताकि थोड़ा लर्निंग मिले हमें, थोड़ा हमारी उंगलियां चार्ट पे घूमने लगे. बराबर है? देखने तो मेरे को, और किसी ने कोई सेक्टर बोला हो तो हम वो सेक्टर देखते हैं. जगदीश भाई ने भी निफ्टी बैंक लिखा था. ओके जगदीश भाई, वी हैव चेक्ड. महेंद्र देसाई फार्मा. महेंद्र भाई चलो फार्मा चेक करते. अब फार्मा एनएससी में है और फार्मा बीएससी में है क्या? नहीं दिख रहा है, ओनली एनएससी. मेरे पास डेटा है 2011 से, तो यहां पे आपको 2008 की मंदी का पता चलेगा महेंद्र भाई? नहीं सर, नहीं सर, नहीं चलेगा. पर एक घटना जो हमने निफ्टी की देखी 2018 वाली, कि 2018 में दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन हुआ, वो 2018 इधर है, ये वाली जगह. क्या फार्मा में 2018 से मंदी आई कि पहले से है? आई थिंक पहले से सर, फार्मा में पहले से. तो फार्मा को तो दुनिया की मंदी से कोई लेना देना ही नहीं था, था क्या? कोई लेना देना नहीं है. लेकिन फार्मा 2015 से मंदी में है, सिंस 2015. तो अगर किसी का खाली, मैंने देखा था, मैं इतने शहरों में मीटिंग में जाता था, तो एक जमाना था जब सन फार्मा, लुपिन, फार्मा की कंपनी देखो तो उसको मंदी आती नहीं थी, जबरदस्त चलती थी. उस समय म्यूचुअल फंड में भी ज्यादातर फार्मा इंडेक्स होते थे, होते ना सेक्टर इंडेक्स. वो लोगों को कुछ लोग ऐसा ही भी फार्मा इंडेक्स में करते थे. बताओ, मैं आपको अभी से आगाह करता हूं, कभी भी सेक्टोरियल एसआईपी नहीं करने की, क्योंकि सेक्टर जिंदगी भर थोड़ी ना चलने वाला है. अभी आईटी चल रहा है, आप बोलो पीयूष भाई मैं आईटी में ही एसआईपी करूंगा, मुझे इंडिया में और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तुम्हारा रेस्टोरेंट नहीं चाहिए, मेरे को डिपार्टमेंट स्टोर नहीं चाहिए, मैं तो खाली टीसीएस में लगाऊंगा. अच्छा है, समय अच्छा है, तब तक चल सकता है. कल कुछ प्रॉब्लम आ भी तो सकते हैं, गॉड नोस, है कि नहीं? तो कभी भी सेक्टोरियल एसआईपी दोस्तों मत करो. मैंने बहुत लोग देखे जो लोग वर्ल्ड मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट के कुछ फंड है उसमें निवेश कर रहे हैं. यस यू कैन डू इट, लेकिन उनका भी एक समय होता है. इंडिया ऐसा शाइन करेगा ना कि पूरी दुनिया एक तरफ रह जाएगी. राइट, ये टाइम है जब कुछ ग्लोबल फंड अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि ग्लोबल कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट गूगल बढ़िया परफॉर्म कर रही है. लेकिन देखो, इंडिया ने जब परफॉर्म करना चालू किया, उनके पैसे इंडिया में थे ही नहीं और इंडिया ने जबरदस्त रिटर्न दिया. राइट, सो नेवर एवर गो विद दिस थीमेटिक फंड. थीमेटिक फंड क्या होते हैं? मैंने बैंक का एक फंड लॉन्च किया और मैंने एक आईटी का फंड लॉन्च किया. अब ऐसे मैंने 5-6 फंड लॉन्च किए, एक आधा तो चलेगा और एक दो खराब भी परफॉर्म करेंगे. पर कल आपको तो लगेगा पीयूष भाई ने जो फार्मा का फंड लॉन्च किया था ना, क्या चल रहा है. वो ये नहीं देखेंगे कि साथ में जो दूसरे एक दो फंड है वो तो बिल्कुल फेल हो रहे हैं, क्योंकि उस समय हमने वहां पे भी सोचा था एक फंड बनाने का. सो डोंट गो विद दिस थीम्स. पूरा बजार देखो दोस्तों. राइट, बहुत लोग फंसते, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं. तो आप सोचो, जो लोग फार्मा की थीम में लगे हुए थे, महेंद्र भाई उनका क्या हुआ होगा मुझे अभी बताओ. उन्होंने अगर 2015 में लाख लगाए, अब भी उनकी वैल्यू कितनी होगी? लाख के आजू बाजू ही है सर. वो तो क्या बोलेंगे, अरे यार ये कंपनी का मैंने फंड लिया, फार्मा फंड परफॉर्म ही नहीं किया, मेरे तो पैसे गए. उनको ये नहीं पता है कि यही फार्मा इंडेक्स दूसरों का होगा, वो भी अंडर परफॉर्म ही होगा. और अगर आप आईटी देखोगे तो आउट परफॉर्म किया होगा. तो ऐसे मत देखो कि मेरे फार्मा में पैसे गए. लेकिन फार्मा में अगर पैसे लगे, फार्मा ने कमा के नहीं दिया, ये हकीकत है. राइट और रॉन्ग महेंद्र भाई?
राइट सर, राइट सर। कुछ लोग कह रहे हैं अभी फार्मा जबरदस्त चल रहा है, पीयूष भाई क्या कमा के दिया है, उनकी कहानी आधी है कि नहीं है? आधी है। मतलब आप यहाँ से देखो, देखो आपको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा होगा, मैं बता रहा हूं आपको। कुछ न्यूज़पेपर होंगे, कुछ एप्स होगी जहां पे आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो लोग बताएंगे कि देखो फार्मा 6,000 से 14,000 एक साल में दो गुना तुमने पैसे नहीं रोके फार्मा में, कितना बड़ा तुमने पाप कर दिया। और जो बेचारे नए निवेशक होते हैं उनको सही में लगता है बिल्कुल सही बात है, हमसे पाप हो गया, उनको नहीं पता है पूरी कहानी। तो हमेशा दोस्तों चार्ट देखो, देखो फंडामेंटल में टाइम लगेगा आपको, सब डेटा इकट्ठा करोगे, पर चार्ट आपको इमीडिएट कहानी तो बोलेगा कि नहीं। अब जब आप फंडामेंटल में जाओगे आप देखोगे सन फार्मा के प्रॉफिट आज भी नीचे है, वो जो 2015 में प्रॉफिट कर रहे थे उतने प्रॉफिट नहीं है। जो बड़ी बड़ी फार्मा की कंपनियां थी 5 साल से उनके प्रॉफिट नहीं बढ़े थे, ना डॉक्टर रेड्डी, ना सिप्ला, ना अरोबिंदो फार्मा, ये सब बड़े खिलाड़ी, किसी के प्रॉफिट नहीं बढ़े थे। अब सबके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो मैं फार्मा में क्या उम्मीद रखूं महेंद्र भाई? अभी वो आउट परफॉर्म तो नहीं, लेकिन चलेगा, मींस अप्रिशिएशन देगा क्या? अभी ये 15,000-20,000 आ सकता है, सो इट्स गुड, हम भी ढोल बजाएंगे कि फार्मा अच्छा चला, पर गलत इंफॉर्मेशन में नहीं रहेंगे। यस सर। फार्मा का फ्रंट रनर कौन है? जो बड़ा नहीं है, देखो सन फार्मा लीडर है पर फ्रंट रनर नहीं कहेंगे, कुछ डेप्ट के कारण उनके पैसे इतने अच्छे नहीं बढ़े, प्रॉफिट ही नहीं बढ़े 5 साल से, तो उनका शेयर भी नहीं चला है। लुपिन बड़ी कंपनी, प्रॉफिट नहीं बढ़े। सिप्ला बड़ी कंपनी, नहीं बढ़े, तो कोई फ्रंट रनर है ही नहीं फार्मा में। अब हमें फार्मा में कॉम्प्रोमाइज करके क्या करना पड़ता है, छोटी कंपनी ढूंढी जो ग्रोथ भी कर रही हो, जो डेप्ट फ्री भी हो और जिसका बिहेवियर अच्छा हो। सो दिस इज कॉल्ड इज कॉम्प्रोमाइज। क्यों कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा? क्योंकि जो लार्ज कैप है उसमें गड़बड़ है, राइट? हमने ये कॉम्प्रोमाइज डिविज लैब में किया, डिविज लैब उठाया और देखो फार्मा आज चलना चालू किया। डिविज कब से चल रहा है? 5 साल से चल रहा है, राइट? दिस इज कॉल्ड एज सर्चिंग फ्रंट रनर कंपनी, फ्रंट रनर बन गया डिविज फार्मा का, राइट? पर जो लीडिंग कंपनियां है वो अभी भी नीचे है। तो ऐसा होगा दोस्तों, हमें जानना पड़ेगा, उनकी क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी ना कंपनियों के साथ। डन महेंद्र भाई? डन सर, डन। फार्मा ये चार्ट देखना आसान था कि बहुत मुश्किल है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड है? इजी है सर, एकदम इजी, कितना सिंपल है, मेरे को नहीं पता है लोग क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड चार्ट को कर देते हैं, राइट? सो फार्मा हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल, बट या वी कैन एक्सपेक्ट इट कुड परफॉर्म। फार्मा के साथ जगदीश भाई पटेल ने लिखा है मीडिया, एकदम गौर करने लायक सेक्टर है मीडिया, मीडिया। चलो मैं मीडिया खोलता हूं, तो ये है निफ्टी मीडिया, क्या रिटर्न दिए है मीडिया ने, आउट परफॉर्मर जगदीश भाई, एकदम बढ़िया आउट परफॉर्म किया ना इसने निफ्टी को? नहीं 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 यार, ऐसा जगदीश भाई सुन, देखो क्या था ये 2012-11 में, 2011 में ये 1400 था, अभी कोरोना के टाइम पे भी वो 1400 ही था, अभी भी 1900 यानी वही है। तो जगदीश भाई अगर आपने कोई मीडिया, मैं आपको बता दूं एक टाइम था जब मीडिया का भी फंड था, लगाओ मीडिया में पैसा। अब जिन लोगों ने मीडिया फंड में लगाए या मीडिया में ही, मीडिया की ही कंपनी में इन्वेस्ट किया, उनके लाख अभी कितने होंगे 10 साल बाद? जगदीश भाई वही लाख होंगे ना, सेम वैल्यू। तो फिर मेरे को क्या पैसा मिला जगदीश भाई इधर? इससे तो अच्छा था कि मैं एफडी ले लेता, 650 का तो मिलता कि नहीं, राइट? किसी ने अगर 2018 में जब दुनिया में मंदी आई तब लगाए तो उनके तो पैसे अभी भी आते हैं। जो लोग ये कहते हैं
कि मेरे को कोई एक ही कंपनी बताओ, मैं पूरा पैसा उधर डालना चाहता हूं, उनके फंसने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए वॉरेन बुफे जी बहुत बढ़िया कहते हैं, फर्स्ट डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो ताकि ये रिस्क ना रहे, एंड देन फोकस, फिर फोकस करो ना। मीडिया नहीं चल रहा है, क्यों पैसा लगा रहे हो फिर मीडिया में, कम करते जाओ। आईटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आईटी में बढ़ाते जाओ वेटेज। जो बढ़ रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है, जिनके धंधे बढ़ रहे, यू शुड इंक्रीज वेटेज। अब जो लोग इसमें एवरेज करते जा रहे, वो अभी भी एवरेज ही कर रहे हैं। क्लियर जगदीश भाई? राइट सर। 5 साल का भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, दिस इज मीडिया, तो मीडिया की कंपनी के हाल भी ऐसे। महेंद्र भाई ने मेटल लिखा है, चलो मेटल को खोला जाए। यहाँ पे मेटल, मेरे पास निफ्टी मेटल है, पर आधा मेरे पास डेटा है 2011 जितना। राइट, लेट मी चेक, क्या यहाँ पे बीएससी में भी कोई मेटल इंडेक्स है? तो देखो यहाँ पे है बीएससी मेटल, शायद बीएससी मेटल इंडेक्स पुराना डेटा है। वाओ, अरे वाह, मेरे को 2004 का डेटा मिल गया दोस्तों। राइट, यानी जब निफ्टी आईटी का जन्म हुआ उस समय का ये डेटा आपके पास है। राइट, तो महेंद्र भाई ये प्रश्न है आपको, 2008 में मंदी आई, उस जमाने में लोग मेटल में बहुत पॉजिटिव थे। मैं आपको बता दूं, आप में से जो लोग 12 साल से बाजार में हो, आपने सुना होगा सेसा गोवा नाम की कंपनी थी, जो आज वेदांता के नाम से जानी जाती है। जबरदस्त कमा के दिया लोगों ने सेसा गोवा में, बहुत पैसे लगाए। ऐसी टाटा स्टील हो गई, कई अलग अलग कंपनियां थी, एनएमडीसी थी, जहां पे लोगों ने बहुत पैसे लगाए। उनका अभी क्या हाल होगा बता सकते हो महेंद्र भाई? अगर उन्होंने या 12 साल पहले लाख लगाए, अभी कितना वैल्यू है? लाख। लोग क्यों कह रहे मेटल जबरदस्त चला? मेटल इज शाइनिंग, मैंने एक जगह पे ये भी पढ़ा था, क्योंकि उन्होंने हमें आधा इंफॉर्मेशन दिया। इतना ये देख के तो किसी को भी क्या लगेगा, मेटल जबरदस्त आउट परफॉर्म किया, परफॉर्म कर रहा है। अरे ये मेटल नहीं चल रहा है, ये तो इंडिया चल रहा है। इंडिया का इकोनॉमी बढ़िया चलता जा रहा है, साथ में अलग अलग सेक्टर को फायदे मिल रहे। राइट, अब मेटल 2008 के लेवल पे अब भी है, यानी टाटा स्टील में अगर किसी ने 12 साल पहले पैसे लगाए तो वो जबरदस्त फंस गए, 12 साल तक निकल नहीं सके, पर अब उनका भाव आया होगा। राइट और रॉन्ग? राइट सर, राइट सर। ये टाटा स्टील हो या सेसा गोवा यानी वेदांता हो, ज्यादातर कंपनियों में ये हाल होंगे, पर मेटल अभी पुराने हाई पे पहुंचा है। अब मेरे को बताओ आपको क्या लगता है, अगर बाजार 19,000 पहुंचता है, जो हमारा टारगेट है बाजार का, है ना, 19,000 पहुंचता है आने वाले 3-1 सालों में, तो क्या मेटल चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा सर, चलेगा। राइट, चलेगा। अब देखो ये मुझे इधर भी लग सकता था, ये समय पे 2014 में जब इंडिया में जबरदस्त रैली आई, मेटल जहां तक चला, और 2014 के बाद टूटा, फिर चला, फिर टूटा, फिर चला, एक ही रेंज में चला, उसने और 10 साल निकाल दिए, 6-7 साल निकाल दिए, तो मैं यहां पे गलत हो जाता। इंडिया चला पर मेटल चला, वो फिर गिर गया। ये क्यों बार बार इतना गिर जाता है, इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी क्यों महेंद्र भाई? प्रॉफिट नहीं कर पा रहे सर। कितनी एकदम सिंपल बात है, देखो ये सेक्टर को धंधा तो पहले भी मिलता था, आज भी मिल रहा है, धंधे में तो कमी है ही नहीं, पर ये सेक्टर की कंपनियों पे इतना डेप्ट है कि जैसे ही कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा भी होता है, क्रूड के दाम बढ़ जाते हैं, सीधी कंपनियों के प्रॉफिट गिर जाते हैं, डॉलर के सामने रुपया गिरता है, वापस इन लोगों का प्रॉफिट गिर जाता है, क्योंकि इन्होंने कई डेप्ट फॉरेन कंपनी के लिए होती है। राइट,
तो ब्याज तो इनको हो सकता है वो फॉरेन की कंपनी को 5% चुकाना है, पर रुपए गिरने की वजह से वो 5% का सीधा 10% हो जाता है। कितना इन लोगों का प्लानिंग बिगड़ जाता है इसकी वजह से। हमने ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस देखा है, तो भविष्य में भी ये कहानी याद रखना, भूल नहीं जाना, बहुत लोग भूल जाते हैं ये चीजें। अभी भी मुझे आशा है कि अब की बार जो रैली इंडिया की आएगी ना, मेटल चलना चाहिए, पर ये जो वॉलेटिलिटी है ना वो तो ऐसी ही रहेगी, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है। राइट फ्रेंड्स? राइट सर। तो मेटल अंडर परफॉर्मिंग टू निफ्टी और आउट परफॉर्मिंग? अंडर परफॉर्मिंग। अंडर परफॉर्मिंग। आधी कहानी पे मत जाना, राइट? दिस इज द वे वी कैन सी ईच एंड एवरीथिंग। आप खेलो चार्ट से, रोज खेलो, समय प्रसार करो इस पे। मैंने बोला ना 20 मिनट देनी है, तो ये 20 मिनट अभी चार्ट सीख रहे हो, अलग अलग इंडेक्स देखो, पहले कंपनियां मत देखो, पहले इंडेक्स देखो। ऑटो सेक्टर निशान सिंह ने लिखा है, राइट? वी आर एट 820, ओके, सो दिस वुड बी लास्ट और सेकंड लास्ट सेक्टर। मैं यहां पे ऑटो सेक्टर लिखता हूं, निफ्टी ऑटो मेरे पास है, जब डेटा मुझे मिल रहा है निफ्टी ऑटो में 2011 से, लेट मी चेक। बीएससी ऑटो कहां से डेटा मिल रहा है? 2004 से, तो ये डेटा लेना अच्छा है ना बीएससी वाला। चलो, ये है ऑटो इंडेक्स, राइट? ऑटो इंडेक्स में मंदी कब से है बता सकते हो निशांत भाई? So last के 5 years। इधर लाइन में ड्रॉ कर देता हूं निशान भाई, राइट? ऑल्ट एच, यानी दुनिया में 2018 में मंदी, यानी इधर से मंदी चालू हुई, पर ऑटो थोड़ा एडवांस था। ऑटो ने मंदी दिसंबर 2018 जनवरी, मतलब वही ऑलमोस्ट उसी समय से मंदी चालू हो गई थी। अब इसके हजारों कारण निकल के आ रहे थे, कोई कह रहा था उबर की वजह से, कोई कह रहा था और कुछ, लेकिन मंदी तो थी। अब ग्लोबल मंदी, कुछ लोग कहते थे इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल इंडिया में थोड़ी ना था, पर इंडिया में भी व्हीकल का सेल्स घट गया, राइट? अब अलग अलग कारण है, लेकिन ग्लोबल मंदी ऑटो सेक्टर के लिए हावी हो गई। तो दुनिया भर में जब से मंदी आई ऑटो में, तब से मंदी आई। अब अभी अगर आपने खाली ऑटो में पैसा लगाया होता, लेट मी टेल यू, द मीटिंग वॉज ऑफ मुंबई, वी मेट इन द मुंबई मीटिंग, आफ्टर दैट मीटिंग अ वेरी गुड पर्सन मेट मी एंड ही सेड, पीयूष भाई, आई हैव अटेंडेड योर मेनी मीटिंग्स इन मुंबई, आई वॉज ऑल्सो हैप्पी। चलो, अपने ही परिवार के व्यक्ति है, ही शोड मी हिज पोर्टफोलियो, उसने, उन्होंने मेरे को बताया, पीयूष भाई देखो सब चल रहा है, कितना बढ़िया रिटर्न मेरे को मिल रहा है। ही वॉज हैविंग मेजोरिटी ऑफ द स्टैक इन ऑटो, पूरा पोर्टफोलियो ऑटो का। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि हमारी आंखों के सामने एक परत आ जाती है, जो चलता है वो ही दिखता है। तो ये जमाने में ऑटो जबरदस्त चल रहा था, कोई भी घटिया से घटिया कंपनी की ऑटो पे उंगली रखो वो भी चलेगी। तो आपको लगेगा क्या बात है पीयूष भाई, बहुत होशियार, ये लिया वो चल रहा है। अरे पीयूष भाई होशियार नहीं है, ये तो ऑटो की तेजी है, जो ऑटो आप ले रहे हो चल जाता है। तो उनका 75% पोर्टफोलियो वॉज ऑटो, और वो कमा भी रहे थे। क्यों कमा रहे थे समझ में आया ना? बिकॉज दिस वॉज द रैली ऑफ ऑटो। और मेरे को उनको कहना पड़ा, सर आप परिवार का हिस्सा हो, आपको अच्छा पैसा भी मिल रहा है ऑटो में, पर ये बहुत गलत चीज है अगर हम एक ही इंडेक्स में सब पैसा डालेंगे। पर ज्यादातर लोग कन्विंस नहीं होते इस बात पे, क्योंकि वो कमा रहे होते, राइट? इसीलिए वो कन्विंस भी होते। अब वो घटना और आज की घटना, आपको क्या लगता है? ये लाख जो उस समय थे, करोड़ में पोर्टफोलियो था उनका, मैं उसको एक राउंड फिगर में लाता हूं लाख में, ये लाख रुपए जो थे उनके उस समय, आज क्या वो
5 लाख होंगे कि 80,000 होंगे, अगर उनके पास खाली ऑटो ही था उसके बेस पे। क्या कहते हो निशान जी? 83 होते, कम हो जाता, 80 होंगे। उन्होंने चेंज किया होगा शायद पोर्टफोलियो, मैं उसके बाद मेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि हमारा भी लाइव मीटिंग सब बंद हो गया, मेरा भी मॉब में नहीं आना जाना रहता है और वो हमारे स्टूडेंट नहीं है। राइट, स्टूडेंट होते तो हमारा तो रोज मिलना होता है, तो मेरे को तो नाम से याद होता है किसके पास क्या शेयर पड़े हुए। राइट, पर स्टूडेंट नहीं है, बॉम्बे में जब कभी मीटिंग होगी वापस मिलूंगा, बहुत अच्छे व्यक्ति है। और पोर्टफोलियो मुझे दुख होता है अगर नहीं चलता है तो, क्योंकि वो कम से कम हमारी 5 स्टेप की मीटिंग में आते थे। अब 5 स्टेप में एक स्टेप मेरा है जिसमें हम कहते हैं डू नॉट इन्वेस्ट मोर देन 12% और 15% इन एनी सिंगल इंडस्ट्री, पर फिर भी ये गलतियां होती है लोगों से। राइट, इधर ऑटो इज लेसर देन व्हाट इट वाज इन 2018। क्या ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है निशान भाई? आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस? अंडर परफॉर्मेंस। अब अगर देखो, मेरे को क्या लगता है पता है, आने वाले समय में अब पूरे दुनिया की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। आप देखोगे 80% कंट्रीज दुनिया की ऐसी होगी जहां पे ग्रोथ आने वाला है इस साल, मतलब अब दुनिया भर में तेजी। और दुनिया भर में जब तेजी होती है यूएस भी परफॉर्म करता है, यूएस वर्ल्ड को ओवरटेक करता है, आउट परफॉर्म करता है, पर पूरी दुनिया को इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज आउट परफॉर्म करेगी। बांग्लादेश एकदम छोटी इकोनॉमी पर परफॉर्म मस्त करेगी। नाइजीरिया, राइट, अफ्रीकन कंट्रीज, ये सब परफॉर्म करेंगे क्योंकि वहां पे ग्रोथ जबरदस्त है। पर इन सबको ओवरटेक करने वाला है इंडिया इस बार। सो आई एम हाईली कॉन्फिडेंट दैट यस, जीडीपी बढ़ेगा, ऑटो की भी बिक्री अब बढ़ेगी। तो आपको क्या लगता है, ये 24,000 का ऑटो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा आने वाले टाइम में? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। पर देखो निफ्टी को तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये हकीकत हमें डायरी में लिखनी पड़ेगी कि नहीं? राइट, सो आई कैन इन्वेस्ट इन ऑटो पर लिमिटेड, मैं 5-1% डाल सकता हूं ऑटो सेक्टर में, पर ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर नहीं है। आउट परफॉर्मिंग में मैं थोड़े ज्यादा पैसे रखूंगा, बराबर है? दिस इज योर ऑटो सर। राइट, स्टिल ऑटो इज बिलो 2018, बट यस, मैं आपको और एक खुशखबर बता दूं, ये 2020 का कोरोना काल से ऊपर है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या, कोरोना काल को ये खा चुका है। कोरोना से पहले जो सेल्स था उनके सेल्स बढ़ चुके, नो नीड टू वरी। राइट फ्रेंड्स, चलिए लेट मी चेक वन मोर सेक्टर और बाकी फिर मेरे को आपको होमवर्क देना होगा, आपको इस पे काम करना पड़ेगा सब लोगों को। अमरजीत जी ने लिखा है निफ्टी 50 इज इंडिकेटर ऑफ टॉप 50 कंपनीज ऑफ ऑल सेक्टर्स, वेरेवर अदर इंडेक्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। यू आर एब्सोल्युटली राइट, पर इसीलिए निफ्टी 50 को हमें बेंचमार्क मान के चलना पड़ेगा। हमें निफ्टी 50 से अच्छे रिटर्न चाहिए, फिर हम तय करेंगे कौन सी इंडस्ट्री में पैसा डालेंगे तो निफ्टी 50 से ज्यादा अच्छे रिटर्न मिलेंगे। केतन पटेल, निफ्टी रियलिटी। चलो केतन भाई, रियलिटी सेक्टर देखे, यहां पे मैंने रियलिटी लिखा। अब दो है, निफ्टी भी है बीएससी का भी है। राइट, बीएससी में पुराने डेटा मिलेंगे तो मैं बीएससी पे आ गया। चलो माय गॉड, क्या जबरदस्त सेक्टर है, करोड़पति बना दिया जिसने निवेश किया रियलिटी में। राइट और रॉन्ग केतन भाई? राइट, एकदम राइट। अरे मतलब किसी ने अगर देखो आप ढूंढना उस समय में 2008 में कुछ फंड हाउसेज ने, कुछ नहीं कई फंड हाउसेज ने रियल एस्टेट के फंड लॉन्च किए थे। अब जिन लोगों ने वो फंड में पैसा डाला, लाख रुपया लगाया, 14,000 आज 3,000 है, मतलब लाख के करीबन 25,000 हुए होंगे उनके।
थीमेटिक फंड बोलते हैं इनको, है ना नितिन भाई? अब बाजार हर बार नया नया हाई लगाता है, पर ये तो बेचारा अभी भी बीमारी में अभी भी है। तो रियल एस्टेट सेक्टर कैसा लगता है, 15-20% डालना चाहिए? नहीं नहीं, इसमें तो मतलब कुछ अपने पास अच्छी चॉइस है तो इसमें नहीं डाले तो भी चलेगा। क्यों डालने का कोई कारण ही नहीं है, क्यों डाले इधर पैसा? अगर आपको लगता है कुछ थीम रियल एस्टेट में, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग एक गवर्नमेंट ने बहुत फोकस कर रही है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग की वजह से रियल एस्टेट में 2-3 पार्ट हो गए, राइट? कुछ कंपनियां है जो अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस कर रही है, उनके धंधे बढ़ रहे हैं, पर उनके सर पे भी डेप्ट बहुत है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में मार खाते हैं, बट स्टिल दे आर ग्रोइंग। अब एक नई चीज लास्ट वीक आई, सरकार बार बार कुछ ना कुछ कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा इनविट भी लॉन्च हुआ था, और आप लोग पूछ भी रहे थे इनविट में पैसा इन्वेस्ट करे कि नहीं करे। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्यों करने का इनविट में पैसा? इनविट ये कंपनियों के लिए अच्छा है कि इनको फंड मिल रहा है, ये लोग फंड मोबिलाइज कर पा रहे हैं। शाम को बारिश होगी, मौसम अच्छा होगा, उन लोगों को अगर फंड मिलता जा रहा है तो ये उनके लिए अच्छा है, मेरे को थोड़ी ना अच्छा है, मैं क्यों डालू पैसा? एक घटना लास्ट 15 दिन पहले एक और आई, गवर्नमेंट ने बहुत काम किए रियल एस्टेट को बूम करने के लिए, राइट? लेकिन क्या था, मैं आपको बताऊं, 2007-08 में जो रियल एस्टेट की तेजी थी ना, वो समय इतना सप्लाई आ गया ना, इतने मकान बन गए कि डिमांड को ओवरटेक कर गए। डिमांड उतनी नहीं है जितने सप्लाई है। अब धीमे धीमे क्या हो रहा है, अभी भी नए नए सप्लाई आता जा रहा है, डिमांड आती जा रही है, तो अभी भी ये ऐसा नहीं हुआ कि सप्लाई से ज्यादा डिमांड है। यही रियल एस्टेट सेक्टर की मंदी है ऐसा लगता है। मैंने अभी एक कंपनी का आईपीओ रिव्यू दिया था, क्या नाम है, मैं भूल गया वो कंपनी का, कौन सा? लोटा डेवलपर, यस, लास्ट मंथ 2 महीने पहले ही दिया था। उसमें पूरा रियल एस्टेट सेक्टर का सप्लाई डिमांड बताया है, तो हम उम्मीद करेंगे 2-1 साल में हम पुराना जो सप्लाई है वो सब भी खत्म करके नई डिमांड खड़ी करेंगे, राइट? बट स्टिल जब लंबी मंदी चलती है तो कंपनियों का कैश खत्म हो जाता है, कुछ कंपनियां बंद हो जाती है। आपने देखा यूनिटेक का क्या हुआ, आपने देखा HDIL का क्या हुआ, तो ये तो होना ही था। देखो चार्ट में भी दिख रहा है, उनके फंडामेंटल में भी था। अब कुछ कंपनियां टिकी हुई है अभी भी, सोचो कितने सालों की मंदी को वो कंपनियां खा गई, तो ये कंपनियां जो अभी भी टिकी हुई है ये कैसी कंपनी होगी केतन भाई? ये मतलब बड़ी कंपनी है, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टी, वो ही टिकी हुई है, लेकिन इसके मतलब कम से कम ये टिके हुए केतन भाई, है ना? जब कभी भविष्य में रियल एस्टेट में अच्छा होगा तो ऐसी कंपनियां आगे चलेगी ना, जो बुरे समय में टिकी हुई है, जो बुरे समय में प्रॉफिट किया, राइट? वैसे में ओबेरॉय रियल एस्टेट है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, लोटा खुद है, ऐसी कुछ कंपनियां है जो अच्छी है, पर स्टिल नीचे खींचता है, वो इतना वेल्थ क्रिएट करके नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि सेक्टर ऐसा डेंजर है, राइट? अब लास्ट वीक आप लोग, हाँ बोलो, इसमें मतलब जो सरकार का जो ये मतलब रेरा का ये सब जो किया है, इसमें कुछ फर्क पड़ सकता है इस कंपनी? पड़ा ना। अब देखो ये सारी चीजों से क्या हुआ पता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर को धंधा मिल रहा है, रेरा से ऑर्गेनाइज कंपनियों को जबरदस्त फायदा हुआ, अनऑर्गेनाइज प्लेयर कम हो गए, इनफैक्ट जो अनऑर्गेनाइज नंबर ऑफ प्लेयर थे ना वो ही कम हो गए, तो इससे ऑर्गेनाइज सेक्टर को फायदा मिला। और GST और ये सब भराई किधर होती है, ज्यादातर ऑर्गेनाइज में, तो रेरा का फायदा है, पर फिर भी ये सब फायदे है, मूल डिमांड सप्लाई मैच होनी चाहिए ना केतन भाई, राइट? जितने मकान है उससे ज्यादा, जितने मकान है और बन रहे उससे ज्यादा डिमांड होनी चाहिए। अब देखो लास्ट वीक कुछ उन्होंने किया है काम जिसकी वजह से भी डिमांड आएगी, पता है क्या किया लास्ट वीक, किसी को ध्यान है रियल एस्टेट में? अरे बहुत महत्वपूर्ण काम किया, मेरे पास भी एक कंपनी है रियल एस्टेट की, गोदरेज प्रॉपर्टीज में मेरा निवेश है,
मैंने आधा परसेंट जैसा रखा हुआ है पैसा वहां पे, राइट? पर मेरे को अच्छा लगा ये नया नई घटना जो अनाउंस हुई वो जानने से, यस एनीबडी? ध्यान रखना पड़ेगा ये सब चीजें, ये चीजें ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ओजस भाई के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए, ओजस दवे, वंडरफुल ओजस भाई, वेरी वेरी गुड। न्यू मॉडल रेंट एक्ट, ये जो नया मॉडल रेंट एक्ट है जो लास्ट वीक लॉन्च हुआ, इससे रेंटल मकानों की डिमांड बढ़ेगी, राइट? जो लोगों को डर लगता था, ऑर्गेनाइज प्लेयरों को, कुछ बड़े खिलाड़ी भी फॉरेन में है जो ऐसी सिस्टम चलाते हैं, उनके 200-200 मकान रेंट पे होते हैं। ऐसा भी इंडिया में नहीं है, पर इंडिया में होगा आने वाले टाइम में, राइट? तो ये एक्ट से जरूर फायदा होगा। और देखो इसका इफेक्ट भी आप चार्ट में देख रहे हो, ये जो चार्ट में जो बाउंस आया है ये इसी का एक पार्ट है। लेकिन फिर भी कंपनियां कैपेक्स वाली है, बहुत ज्यादा रियल एस्टेट में पैसा डालना नहीं चाहिए। अगर किसी ने डाला हुआ है तो भी वो उसने बहुत पैसे नहीं कमाए। देखो मैं गोदरेज प्रॉपर्टी भी बताऊं तो ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत अच्छा पैसा मिला है वहां पे, राइट? क्योंकि ओवरऑल जो सेक्टर है वो ही ऐसा है, राइट? जस्ट लेट मी गो टू दैट कंपनी ऑल गोदरेज प्रॉपर्टी, राइट? देखो कितना लंबा समय तक ये एक रेंज में रहता है, राइट? अब ये 2000 कुछ 200 से 400 रुपए की रेंज थी, अभी इसकी रेंज 1500 से 1000 की है, तो 3x गुना हुआ है। तो मतलब बहुत अच्छे पैसे नहीं कमा के दिए इतने सालों में, क्योंकि इतने टाइम में 10x गुना होने चाहिए शेयर, राइट? और ऐसा भी नहीं है कि बहुत जबरदस्त डिविडेंड है, 30% जैसा होगा शायद, राइट? पर यस आई एम हैप्पी विद दिस न्यू अनाउंसमेंट, इससे अच्छा काम बनेगा, राइट? ओवरऑल रियल एस्टेट में इससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, बराबर? ये भी एक पार्ट है अमरजीत जी, रेंटल बिजनेस इज ऑल्सो अ गुड बिजनेस, राइट? और ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में ज्यादा चलता है। सो हियर वी हैव टुडे लर्न बेसिक ऑफ चार्ट, ये कुछ बेसिक्स था चार्ट के, खाली भाव देख के क्या देखे, राइट? अब ये वीक एक्टिव रहना आप लोग थोड़ा, ये वीक हम चार्ट में और डीप डाइव करेंगे और चार्ट को और एक्सप्लोर करेंगे, और आने वाले 2-3 हफ्तों में कम से कम आपको इतना पता चल जाएगा, जैसे आप फंडामेंटली चार्ट को फंडामेंटल देखने के बाद आपको फेयर वैल्यू पता चलती थी, 2030 के टारगेट पता चलते थे, वैसे ही चार्ट में भी हमें पता चल जाना चाहिए चार्ट देख के कि ये कंपनी 10 साल में किधर पहुंचेगी, इसका फेयर वैल्यू यानी बाइंग लेवल किधर होना चाहिए, राइट फ्रेंड्स? जस्ट लुकिंग ऑन चार्ट्स, सो रेडी रहिए दोस्तों ये हफ्ता के लिए, ओके? सो इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग विद एवरीबडी, आई विल एक्सपेक्ट 20 minutes अ डे फ्रॉम यू। अभी हमने कोई होमवर्क नहीं दिया था क्योंकि मैंने खाली आपको ये स्टडी करने को दिए थे, ये वीक भी कोई ज्यादा होमवर्क नहीं रहेंगे आप लोगों के लिए, पर ये वीक खेलो चार्ट से, खेलो खाली, उंगलियां घूमनी चाहिए इधर उधर इधर उधर इधर उधर, हर कंपनी हर सेक्टर पे, राइट? थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरी बडी, जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीक। Thank you, sir. Thank you, sir.